खलिलो देह देही चात्यंत निर्मल उभयो अंतरम ज्ञात्वा कस्य शौचम विधीयते। देह से बढ़कर के गंदी चीज कोई नहीं है, संसार में कोई चीज नहीं है जो कि शरीर जैसी गंदी हो। इसमें हड्डी देख लो, मांस देख लो, मल मूत्र थूक कार नेटा कफ रज बीज के कौन सी गंदगी इसमें नहीं है। केस है, नख है, सब कुछ को देख लो तुम, मल मूत्र को देखो। शरीर से बढ़कर के मलिन कोई भी संसार में चीज नहीं है और आत्मा से बढ़कर के निर्मल कुछ भी नहीं है। दोनों का अंतर तुम देख लो, आत्मा अत्यंत निर्मल है, शरीर अत्यंत मलिन है। दोनों का अंतर देख लो, फिर तुम किसको शुद्ध करोगे, किसको साफ करोगे। देहाभिमान को त्याग दो और आत्मा में तुम अपना मैपन करो, यही हमारे शास्त्र और गुरुजनों का उपदेश है। वासना एव संसार इति सर्वाह विमुंचता तत्यागो वासना त्यागो स्थिति अद्य यथा तथा। वासना ही संसार है, शुभ वासना हो या अशुभ वासना, पहले अशुभ वासना को शुभ वासना से हटा दो, निकाल दो, और फिर शुभ वासना को भी अलग रख दो। शुभ अशुभ दोनों को हटा दो, गड़े हुए कांटे को और खोदने वाले कांटे को जब निकल गया तो दोनों को साइड में रख दो। कोई दुखी आ गया, आहा करते आ गया, तो बता दो कि हमने शास्त्र की कृपा से, गुरुजनों की कृपा से अविद्या के कांटे को निकाले थे, तुम भी तत्पर होकर करके भीड़ कर करके इसको अर्जेंट जरूरी समझ करके क्या करो, तुम अज्ञान अविद्या के कांटे को विद्या के कांटे से निकाल लो। शास्त्र और गुरु जो है तुम इसमें सहायता करेंगे, तो लेकिन तुमको तत्पर होना पड़ेगा। तो वही बोल रहा है कि वासना ही संसार है, इसलिए इन सब को तुम त्याग दो। तत्यागो वासना त्यागो, शास्त्रों में जो कुछ भी, जो शास्त्रों में वासना के त्याग को ही त्याग कहा गया है, कहीं भी चर्चा की गई है त्याग की तो समझ लो कि शुभ और अशुभ वासनाओं को त्यागने को ही कहा गया है। सोने की हथकड़ी बेड़ी में भी तुम बध जाओगे और लोहे की हथकड़ी बेड़ी में भी तुम बध जाओगे। सोने की हथकड़ी बेड़ी को भी फेंको और लोहे की हथकड़ी बेड़ी को भी फेंको। पुण्य कर्म भी बंधन करते हैं, पाप कर्म भी बंधन करते हैं। पहले पाप को पुण्य से हटाकर फिर पुण्य को भी रख दो और निरंतर उससे भी ऊंची चीज ब्रह्म भाव को अंगीकार करो। ये हमारे शास्त्र और गुरुजनों का उपदेश है। शास्त्र में जो वासना के त्याग को ही त्याग कहा गया है। अजय यदि तुमने ऐसा कर लिया तो तुमको अब कुछ करना नहीं है, तुम्हारी स्थिति जैसी चाहिए वैसी हो गई। दृढ़ भावने अत्यक्त पूर्वा पर विचारणम यदादानम पदार्थ से अवासना सा प्रकृतिता। मुक्तिकोपनिषद में भगवान श्री राम हनुमान जी से कह रहे हैं, श्रोता भी साधारण नहीं है, श्री हनुमान जी हैं, तो क्या कह रहे हैं कि दृढ़ भावना तुमने कर ली और पूर्वापर के विचार को त्याग दिया, पदार्थ को अंगीकार कर लिया, किसी को हे हनुमान वासना कहते हैं। जैसे तुम्हारे सामने कोई युवती स्त्री हो, कोई युवा पुरुष हो, तुमको दिखाई दे रहा है, लेकिन प्रातःकाल लेकिन तुम विचार करो, तुम विचार करो, तुम विचार करो कि दृढ़ भावना कर लिया तुमने और पूर्वापर के विचार को छोड़ दिया। कोई युवती दिखाई दे रही, उसका पूर्व रूप क्या है? अपने माता पिता के शरीर में पहले अन्न रूप में थी, अन्न से फिर रज बीज में हुई। प्रथम गर्भाधान के दिन कैसी होगी, गर्भ में एक दो महीने के गर्भ में कैसी होगी, जन्मते समय कैसी होगी, बाल्यावस्था में कैसी होगी, धीरे धीरे युवावस्था को प्राप्त हुआ पुरुष, युवती युवावस्था को प्राप्त हुई, फिर देखो धीरे 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 वृद्धावस्था आएगी, शरीर जो है अंग जो है सिकुड़ जाएंगे, पहले जैसे रह नहीं जाएंगे, अंत में बूढ़ा बुढ़िया का नाटक करना पड़ेगा और चिता में या कब्रिस्तान में उसका अंतिम संस्कार होगा। तो तुम पूर्व का भी विचार करो अपर बाद वाला भी विचार करो, केवल तो बीच का ही देख करके कर तुम मोहित आकर्षित न हो। दृढ़ भावना कर लेने से पूर्वापर के विचार को त्याग कर केवल पदार्थ को अंगीकार कर लेता है, इसी को हे हनुमान वासना कहते हैं। जो वासना को त्याग देगा, शुभ अशुभ वासनाओं को त्याग देगा, वो सुखी हो जाएगा, उसको अब संसार में कुछ करना नहीं है। आत्मा तो नित्य सिद्ध है, उसको कहीं चलाना नहीं है। मनोसियावर रामचंद्र की जय।